डिस्कवर इंडिया बाय रोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपने हमारा पिछला वीडियो देखा ही होगा, जिसमें हम आपको शांति स्तूपा लेकर गए थे और जहां से हमने आपको इस खूबसूरत लेह सिटी के नज़ारे भी दिखाए थे। तो यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उन्हें वहां से ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए रोड टू लद्दाख का सफ़र शुरू करते हैं। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम लोग लेह से निकल रहे हैं। आज का जो हमारा टारगेट है ये खारदुंगला है और वहाँ से हम लोग डिस्किट होते हुए नुब्रा जाने वाले हैं, लेकिन आज यहाँ पे मैराथन होने वाला है। तो फिलहाल हम लोग अभी जा रहे हॉल ऑफ फेम की तरफ और देखते हैं यहाँ पे क्या अभी इंतज़ाम किए हुए। मैराथन कहाँ पर हमें पता नहीं, हम लोग जैसे एक चांस लेने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हॉल ऑफ फेम जाएंगे, अगर टाइम रहेगा तो पत्थर साहिब गुरुद्वारा भी आपको लेके चलेंगे और फिर वहाँ से निकलेंगे हम लोग खारदुंगला के लिए। तो सारे अपडेट्स आपको आज की वीडियो में मिलने वाले हैं और आज का जो एंडिंग है ये नुब्रा में है और वहाँ पे हम लोग कैंपिंग करने वाले हैं। तो सारी जो जर्नी है काफ़ी एक्साइटेड रहेगी, तो बने रहिए दोस्तों और आने वाले नज़ारों का आनंद उठाइए। और वहीं दोस्तों कुछ ही देर में हम पहुँच गए थे हॉल ऑफ फेम और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये पूरा मिलिट्री का आपको एग्जीबिशन देखने मिल जाता है। यहाँ पे जो भी वॉर्स हुई है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे जो भी टैंक्स है व्हीकल्स है वो सब यहाँ पे एग्जीबिशन में रखे हुए हैं। तो पहले तो हम यहीं पे जाने वाले थे लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि अभी पहले पत्थर साहिब गुरुद्वारा चलते हैं और रास्ते में पहले फ्यूल भी टॉप अप करवा लेते हैं और फिर रिटर्न में हम लोग आएंगे यहाँ पे हॉल ऑफ फेम में। पहले के समय में लद्दाख में एक दो ही पेट्रोल पम्प थे लेकिन अभी यहाँ पे कई सारे पम्प बन गए और उन्हीं में से एक पेट्रोल पंप पे अभी हम आए यहाँ पे अपना फ्यूल टॉप अप करवाने के लिए। और वहीं पे दोस्तों सामने की तरफ एक गेट है जहाँ से जो रास्ता है ये फी मॉनेस्ट्री की तरफ जाता है। तो चलिए टॉप अप करते हैं और बढ़ते आगे की तरफ। वैसे ये जो रास्ता है दोस्तों ये लेह से कारगिल वाला रोड है, तो अगर आप जम्मू कश्मीर वाला रूट पकड़ के आते हो श्रीनगर से तो आप इसी रास्ते से लेह में एंट्री करते हो। और वाकई में दोस्तों ये रास्ता जो है ये बहुत ही खूबसूरत और सीनिक है, तो यहाँ पर आपको ड्राइव करने में भी काफ़ी मज़ा आने वाला है और जैसे कि आप देख सकते हो रास्ता भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और अगर मैं आपको लेह से पत्थर साहिब गुरुद्वारा की दूरी की बात करी तो ये करीबन 24 से 25 किलोमीटर होता है, जहाँ पर आपको पहुँचने में करीबन 30 मिनट लग सकते हैं। और इसी रास्ते पर अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको जंस्कार और इंडस रिवर का संगम भी देखने मिलेगा और उससे कुछ ही दूरी पर मैग्नेटिक हिल भी स्थित है। तो दोस्तों चलिए जब तक हम गुरुद्वारा पहुँचे मैं आपको रास्ते में इसकी कहानी सुना दूँ। बात कुछ उस समय की है जब गुरु नानक देव जी अपनी दूसरी यात्रा के दौरान सन 1517 में यहाँ पहुँचे थे। सुमेर पर्वत पर अपना उपदेश देने के बाद गुरु नानक देव जी नेपाल और सिक्किम के रास्ते तिब्बत होते हुए यासकंड के रास्ते से लेह होते हुए इस स्थान पर पहुँचे। यहाँ पर सामने वाली पहाड़ी पर एक घोर पापी राक्षस रहता था जो यहाँ के लोगों को बहुत दुख देता था और उन्हें मारकर खा जाता था। गुरु जी को जब इस बात का पता चला तो वहाँ पर उन्होंने नदी के पास एक स्थान पर अपना आसन लगाया। यहाँ के लोगों को यह देखकर बहुत ही राहत हुई, किंतु वह राक्षस बहुत ही गुस्सा हो गया और उसने गुरुजी को जान से मारने के लिए पहाड़ से एक पत्थर को उनकी तरफ फेंक दिया ताकि गुरुजी उस पत्थर के नीचे दबकर मर जाए। किंतु कहते हैं ना, जाके राखो साईया मार सके ना कोई। तब एक अनोखी घटना घटी। जैसे यह बड़ा पत्थर गुरुजी से टकराया वह मोम की तरह पिघल गया और जैसे गुरुजी का जो पिछला शरीर था उसमें धस गया। गुरुजी की भक्ति में कोई असर नहीं पड़ा। गुरुजी को मरा हुआ जानकर राक्षस खुश हुआ और जैसे ही नीचे पत्थर के पास आया तो गुरुजी को बिल्कुल ठीक देखकर राक्षस हैरान हो गया। गुस्से में आकर उसने अपना दाहिना पांव पत्थर पे मारा किंतु राक्षस का पांव भी पत्थर में धस गया। तब उस राक्षस को ज्ञान हुआ कि उसने अपनी बेवकूफ़ी से एक भगवान के भक्त को मारने की कोशिश की है और जैसे ही उसे इस बात का आभास हुआ वह गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और उसने माफ़ी भी मांग ली। गुरुजी ने उससे क्षमा करते हुए कहा कि वह अपना आगे का जीवन इंसानों की भलाई में बिताए। तो राक्षस ने भी वह मान के अपनी बुरी राह छोड़ दी और उसके पश्चात गुरुजी यहाँ से कारगिल होते हुए कश्मीर से आगे चले गए। तो दोस्तों आज भी यह जो पत्थर साहिब गुरुद्वारा है आपको यहाँ पर यह पत्थर देखने मिल जाएगा और यहाँ पर यह जो गुरुद्वारा है इसकी स्थापना और रख रखाव आज हमारी इंडियन आर्मी करती है। तो चलिए दोस्तों साथ में मिलकर दर्शन करते हैं इस पवित्र पत्थर साहिब गुरुद्वारा के।
और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी यह कहानी भी पसंद आई होगी। और यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। और वहीं दोस्तों अभी कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारा में, और यही वो पहाड़ी है दोस्तों जहां से उस राक्षस ने पत्थर फेंका था, और उसी के सामने की तरफ यह पत्थर साहिब गुरुद्वारा बना हुआ है। और यहां पर इस तरह से यात्रियों के लिए काफ़ी बड़ी पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। तो चलिए यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और चलते हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारा में। यहाँ पर आते ही आपके कानों में गुरुबानी सुनाई देगी और जो इस वातावरण को और भी पवित्र बना देती है। तो चलिए सबसे पहले जाके यहाँ पर जूते उतारते हैं और फिर चलते हैं अंदर की तरफ। और हम जैसे ही भीतर आए तो हमने देखा यहाँ पर एक चाय की व्यवस्था की गई थी लोगों के लिए, जैसे कि हर गुरुद्वारा का नियम होता है वैसे ही यहाँ पर भी यात्रियों के लिए चाय रखी गई है। तो चलिए चाय पीते हैं, और यहाँ पर ये प्रसाद भी है जो भी हम दर्शन करके वापस आने पर लेंगे। और वहीं पर दोस्तों सामने की तरफ आपको कुछ सीढ़ियाँ दिखाई दे रही होगी जहाँ से होकर आप उस पहाड़ी के ऊपर जा सकते हो जहाँ पे वो राक्षस रहा करता था। हमें पहले लगा था कि अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसीलिए हम अपना कैमरा तो साथ में रखे थे लेकिन हमने शूट नहीं किया था। लेकिन जब अंदर सोल्जर्स को पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं आप वीडियो बना सकते हो, तो अंदर जाके फिर हमने यहाँ पे अपनी वीडियोग्राफी चालू की। तो आप में से जो भी कोई अभी किसी कारणवश यहाँ पे नहीं आ पाया है तो चलिए दोस्तों हमारे साथ में दर्शन कीजिए पत्थर साहिब गुरुद्वारा के और आशीर्वाद लीजिए गुरु नानक देव जी का। और जैसे कि मैंने आपको कहानी में बताया था कि ये इस तरह से एक बड़ा सा पत्थर है जो उस राक्षस ने ऊपर से नीचे फेंका था, तो ये पत्थर अभी तक वहीं का वहीं है। और आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर ये बिल्कुल एक इंसान के आकार का छेद यहाँ पे बन चुका है, जो जैसे बिल्कुल गुरु नानक देव जी ध्यान में बैठते थे उसी आकार में है। तो मैंने भी यहाँ पर अपना माथा टेका और गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद लिया, और आप भी हमारे साथ में उनका आशीर्वाद लीजिए दोस्तों, और साथ मिलकर बोलिए वाहे गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी दी फतेह। वाकई में यहाँ के वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा थी जिसका आभास आपको यहाँ पर आने पर अपने आप हो ही जाएगा। काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है यह, पहले के समय में यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं किया करते थे, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी जो हमें यहाँ पर ये फोटोग्राफी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उसी वजह से मैं आपके साथ ये शेयर कर पा रहा हूँ। गुरुद्वारे पर माथा टेक कर हमने भी गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद लिया, और यहाँ पर कुछ देर बैठकर हमने भी शांति का अनुभव किया। और अभी समय हो चुका था दोस्तों यहाँ से वापस बाहर की तरफ जाने का, और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो सारे सोल्जर्स हैं यही मैनेज करते हैं, और ये रास्ता है जिससे होते हुए हम अंदर आए थे। और इन्हीं सोल्जर्स हमने पूछा था कि शूट कर सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि यहाँ तक हमने कोई भी शूट नहीं किया था, तो अभी जाने के समय आपको मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर इस तरह से ये जो भी गुरु थे सबके यहाँ पे फोटो लगाए हुए हैं। ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट सब कुछ इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ही करते हैं। और वहीं पर हमारा ध्यान गया कि यहाँ पर एक लंगर हॉल भी है, तो हम यहाँ पर आ गए देखने के लिए कि लंगर चालू है क्या नहीं, और जब देखा तो पता चला कि यहाँ पे अभी लंगर चालू था, यहाँ पर सुबह का नाश्ता लोगों को दिया जा रहा था, तो हमने भी कुछ नाश्ता नहीं किया था, तो हमने सोचा कि यहीं पर प्रसाद ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों साथ में यहाँ का प्रसाद लेते हैं। और यहाँ पर हम जैसे ही आए तो हमें मना कर दिया गया वीडियो लेने से, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो ये सब चीज़ें लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि ये जो सेवा है ये किसी को दिखाने के लिए नहीं की जाती। और जैसे ही हम लंगर से वापस बाहर आ गए थे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से अंदर जाते समय और बाहर आते समय आपको अपना हाथ मुंह धोना होता है और पैर भी धोने होते हैं।
और यहाँ पर ये सिर ढकने के लिए आपको इस तरह से कपड़ा मिलता है, क्योंकि बिना सर ढके हुए आप कोई भी गुरुद्वारे में नहीं जा सकते। तो यहाँ पर ये जो कपड़ा था ये भी हमने वापस रख दिया था। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं बाहर की तरफ। और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा दोस्तों हमारा इस गुरुद्वारा का, उम्मीद है आपको भी हमारे साथ में मज़ा आया होगा। और जैसे ही आप बाहर आते हो दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरह से ये साइन बोर्ड देखने मिल जाता है जहाँ पर इस गुरुद्वारा की पूरी हिस्ट्री को लिखा गया है। जो सेम स्टोरी मैंने आपको बताई वही यहाँ पर दिखाई गई है। और साथ ही आपको भी मेरे लेफ्ट साइड में ये जो एक पूरा हॉल दिख रहा है यहाँ पर आने वालों के लिए सोने की व्यवस्था भी की गई है। यदि आप किसी कारणवश यहाँ पर आते हो और आपको लेट हो जाता है तो यहाँ पर अंदर गद्दे भी रखे हुए, तो आप यहाँ पर रात को रुक भी सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर हर तरह की व्यवस्था यात्रियों के लिए की गई है और साथ ही साथ खाने की व्यवस्था तो है ही, जैसे कि मैंने आपको अभी लंगर हॉल में बताया। और फिर वापस आके हमने यहाँ से भी प्रसाद ले लिया जिससे हमारी विज़िट यहाँ की कम्प्लीट हो जाती है। और यहाँ पर इस तरह का और एक हॉल बना हुआ है, तो वैसे आप पूरे विश्व में कहीं भी कोई भी गुरुद्वारा में चले जाओ आपको वहाँ पर आने वाले भक्तों के लिए हर तरह की फैसिलिटीज़ देखने मिल जाएगी। और उन्हीं में से ये भी एक सेवा है जिसमें जो लोग यहाँ पर अपने जूते निकाल के जाते हैं उनकी यहाँ पर इस तरह से ये पॉलिश करके रखते हैं, क्योंकि ऐसी सेवा हमने आज तक कहीं भी नहीं देखी दोस्तों। ऐसी सेवा आपको सिर्फ गुरुद्वारा में ही देखने मिलेगी। थैंक यू जी। ये कैमरा है? हाँ जी। ब्लॉग बना रहे हो? हाँ जी। मेरी फोटो आएगी क्या? आएगी ना सर, क्यों नहीं आएगी? कितने लाइक मिलेंगे? वो तो अभी हमने वो तो देखने वाले के ऊपर है। आप जो सेवा देते हो सर उसके लिए तो लाइक की कोई वो भी नहीं है, मतलब लिमिट ही नहीं है लाइक की। हमें देखेगा कौन सा? 42,000 लोग हैं तो वो देखेंगे। 42,000 कोई 10 भी देख ले तो अपनी बात तो बढ़ जाएगी सर। सब्सक्राइबर 42,000 सब्सक्राइबर है तो वो लोग देखेंगे। और क्या नाम है आपके चैनल का? डिस्कवर इंडिया बाय रोड। मतलब वही आप जो बनाते हो? क्या कहते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये कितने का आया था? ये हम लिए थे तभी करीबन 30,000 का था। सैमसंग का? हाँ जी। नहीं, ये एक दूसरी ब्रांड है, छोटा कैमरा बनाने वाली, उसका लिया है। तो दोस्तों इस तरह की जो निस्वार्थ सेवा है ये हमारी इंडियन आर्मी और ये सिख कम्युनिटी कर सकती है। और वहीं पे अभी हम सामने की तरफ आ गए थे जहाँ पर एक मिलिट्री स्टोर था, तो यहाँ से भी अगर आप चाहो तो अपने लिए कुछ सामान खरीद सकते हो। अगर आपको कुछ गर्म कपड़े खरीदने हो, कैप्स खरीदने हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अल्पेश भाई को भी एक इस तरह की कैप खरीदनी थी, तो पिछली बार वो लेकर गए थे तो उनके घर वालों को काफ़ी अच्छी लगी थी, तो यहाँ पर देख रहे थे। और वाकई में दोस्तों यहाँ पे जो ये कैप्स है इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। तो यदि आप भी इन लोगों को यहाँ पे सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से कुछ खरीद सकते हो। ये आपको बता दूँ कि ये मिलिट्री वाले रन नहीं करते, ये यहाँ के ट्रेडर्स ही होते हैं। हालाँकि जब मिलिट्री वालों को कोई चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो भी यहीं पर आके खरीद के लेके जाते हैं। यहाँ पर आपको मिलिट्री के यूनिफॉर्म से लेके हर चीज़ मिल जाएगी, इसीलिए इन्हें मिलिट्री स्टोर्स कहा जाता है। और गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद लेकर हमने हमारी अगली यात्रा भी शुरू कर दी थी। और अभी हम ले होकर जाने वाले हैं आगे खारदुंगला की ओर। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज का जो हमारा प्लान है ये खारदुंगला से डिस्किट और हुंडर होते हुए नुब्रा पहुँचने का है, और हमारा जो नाइट स्टे है वो हम हुंडर में ही करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अभी हम जाते हैं यहाँ से हॉल ऑफ फेम, जैसे कि आने के समय मैंने बताया था। और वहीं हॉल ऑफ फेम से पहले रास्ते में आपको इस तरह से मॉडल हेलीकॉप्टर और फाइटर प्लेन भी दिखाई देंगे, जो भी डीकमीशन हो गए रहते हैं वहाँ पर इन्हें इस तरह से लोगों के लिए डिस्प्ले में रखा गया है। दरअसल गए थे तभी भी मैंने देखा था, लेकिन उस समय आपके लिए मैं शूट नहीं कर पाया था। और कुछ ही देर में दोस्तों हम हॉल ऑफ फेम भी पहुँच गए थे। और हम जैसे ही हॉल ऑफ फेम पहुँचे तो हमने देखा तो यहाँ पर बहुत सारी बाइक्स और गाड़ियाँ आ गई थी, मतलब बहुत टूरिस्ट आ गए थे, बस भर भर के लोग आए हुए थे। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैराथन का टाइम था, और इस वजह से हमने सोचा कि अभी अगर यहाँ पे चले जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा आगे पहुँचने में, तो फ़िलहाल हमने हॉल ऑफ फेम जाने का जो प्लान था वो कैंसिल कर दिया। और अभी हम बढ़े जा रहे दोस्तों लेह सिटी की तरफ। और अभी दोस्तों यहाँ पे रास्ते में लेह का एयरपोर्ट भी आएगा, जो भी मैं आपको बाहर से दिखाऊँगा, ताकि आपको अगर एयरपोर्ट से भी आना हो तो आपको पता चले कि कौन सा जो रोड है आपको इस सिटी की तरफ लेके जाता है। और अभी दोस्तों आपको जो मेरे राइट साइड में पूरा एरिया दिख रहा है ये पूरा एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंडर में ही आता है,
और वैसे तो यहाँ का जो एयरपोर्ट है इस पे इंडियन आर्मी का भी कंट्रोल है, लेकिन यहाँ पर सिविल फ्लाइट्स भी आती है, तो यदि आपको जब भी रोड कनेक्टिविटी ना हो तो आप बाई फ्लाइट भी यहाँ पर आ सकते हो। ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ का मेन एंट्री और एग्ज़िट गेट है। ज़्यादातर नवंबर और दिसंबर के बाद जब भी यहाँ पर पूरी बर्फ़ हो जाती है तो जो रास्ते की कनेक्टिविटी है वो बंद हो जाती है, तो यदि उस समय आपको यहाँ पर लेह में आना हो तो फ्लाइट ही एकमात्र ज़रिया होता है यहाँ पर आने का। और अभी जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो लेह सिटी है ये काफ़ी डेवलप हो गया है, क्योंकि जब भी मैंने इसके पुराने वीडियो देखे थे तो इसमें ये बिल्कुल अलग दिख रहा था, और अभी यहाँ पर रास्ते और बहुत सब अच्छे से बन चुका है। और ये देखिए आ गया यहाँ पे बोर्ड वेलकम टू ले वाला, और ये यहाँ का जो मेन चौराहा है जहाँ से होते हुए कल हमने अंडर एंट्री की थी। तो दोस्तों जो आज का वीडियो है ये मैं यहीं तक रखता हूँ, क्योंकि ऐसे भी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो यहाँ से जो अगले वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ खारदुंगला, और उसके आगे जैसे कि मैंने बताया कि डिस्किट जाएँगे और जाएँगे हुंडर। तो इसी तरह के दोस्तों मज़ेदार वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो इन्हें लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा, और आपके अभिप्राय भी आप हमें कमेंट करके बताइए ताकि हमें पता चले कि आप और क्या देखना चाहते हो। और वैसे 2023 का दोस्तों ये हमारा आखिरी वीडियो होने वाला है, क्योंकि अभी आपसे जो हमारी मुलाकात होगी वो 2024 में होगी। तो आप सभी को हमारी पूरी टीम की ओर से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ में डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर। धन्यवाद।